हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑयल फ्री नाश्ते की रेसिपी, जो कि बहुत आसान है और बहुत हेल्दी है। झटपट बनकर सिर्फ 5 मिनट में रेडी हो जाती है, जिसको कि आप सिर्फ 2 चीज़ों से बना सकते हैं। आइए देख लेते हैं किस तरह से आप बना सकते हैं ये हेल्दी, टेस्टी और आसान नाश्ता। इसके लिए मैंने यहाँ पर लगभग 3 मीडियम साइज़ के आलू ले रखे हैं, जिसको मैंने बॉयल कर लिया। ग्राम्स में अगर आप नापेंगे तो लगभग 150 ग्राम के करीब आलू है। अब इन सभी को हमें इस तरह से कद्दूकस की हेल्प से ग्रेट कर लेना है। आप चाहे तो इसको हाथों से भी मैश कर सकते हैं, बिल्कुल अगर आप बारीक मैश कर पाए तो इसको हाथों से मैश कर लीजिए। तो आलू को मैश करने के बाद में इसमें हमें ऐड करना है अपना दूसरा इंग्रेडिएंट, जो कि है सूजी, यानी कि रवा। तो हमें जस्ट आलू की आधी क्वांटिटी में सूजी ऐड करना है। तो रवे यानी कि सूजी के साथ साथ हमें ऐड करना होगा इसमें प्याज। तो प्याज को हमें बिल्कुल बारीक काट कर ऐड करना है। 1 मीडियम साइज की प्याज बारीक काट कर ऐड कर दी है मैंने। इसके साथ ही हमें नाश्ते को चटपटा तीखा बनाने के लिए हरी मिर्च ऐड करनी है। 2 से 3 हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं, यहाँ तक कि 4 से 5 हरी मिर्च भी ऐड की जा सकती है। तो बढ़िया सा चटपटा तीखा नाश्ता बनकर रेडी होता है। साथ ही 2 इंच अदरक का टुकड़ा काट कर या ग्रेट करके ऐड कर दें। आधी छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, हम इसमें ऐड करेंगे लगभग आधी चम्मच के करीब रेड चिली फ्लेक्स। ये मैंने घर पर बनाए हैं। आप कैसे घर पर रेड चिली फ्लेक्स बना सकते हैं रेसिपी जानने के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगी। रेड चिली फ्लेक्स की जगह आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास रेड चिली फ्लेक्स घर में अवेलेबल नहीं है तो। और थोड़ा सा हरा धनिया भी हम ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से या फिर स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद में आप देख सकते हैं मिक्सचर हमारा यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। इसको बढ़िया चटपटा तीखा और टेंगी बनाने के लिए हमने सारी चीज़ें डाल दी हैं। हल्की सी खटास देने के लिए हम इसमें आधे नींबू का रस भी निचोड़ सकते हैं। अब इसको ढककर आप लगभग 10 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए, ताकि सूजी फूल जाए। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, अब इससे हम नाश्ता बना लेते हैं। तो इसके लिए हाथों पर हम इस तरह से 1 बूंद तेल लगाएंगे। दोनों हाथों को चिकना कर लें और थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से हाथों में मिक्सचर लेंगे। तो जिस तरह से नींबू होता है, नींबू का जो साइज होता है बिल्कुल उतना ही हमें साइज लेना है और इस तरह की बॉल्स बनाकर रेडी करनी है। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं बहुत ही झटपट तीखा चटपटा और हेल्दी नाश्ता, जो कि हम बिना ऑयल के बनाएंगे। तो ये देखिए सारी बॉल्स को हम इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। तो बॉल्स हमारी बनकर सब तैयार हैं, अब इससे हम बनाना शुरू करते हैं नाश्ता। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा एक अप्पम पैन। तो अप्पम पैन को मैंने यहाँ पर हीट कर लिया है और उसके बाद में सिर्फ इसको हमें हल्का सा ग्रीस करना है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ ब्रश की हेल्प से मैंने इसको ग्रीस किया है। इसमें हमने इस तरह से ऑयल की यूज बिल्कुल नहीं किया है। तो इस तरह से चिकना करने के बाद में और एक एक बॉल को आप इसमें रख दें। तो सारी बॉल इस तरह से हम जो इसके खांचे हैं सभी में रख देंगे। तो आप देख सकते हैं बिना ऑयल के हम यहाँ पर नाश्ता बनाकर रेडी कर रहे हैं और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनेगा फ्रेंड्स। सुबह के नाश्ते के लिए बहुत अच्छा है। शाम की चाय के साथ भी हमें कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, तब भी आप ये बना सकते हैं। और इसको आप हरी चटनी के साथ, केचप के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ तक कि ग्रीन चिली सॉस या फिर रेड चिली सॉस के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। लो मीडियम फ्लेम पर इसको 3 मिनट तक सेक लीजिए और 3 मिनट के बाद में इसको हम पलट कर भी सेक लेंगे। तो ये देखिए नीचे से मैंने इसको अच्छे से सेक लिया है, अंदर तक भी ये काफ़ी हद तक सेक चुके हैं। बस टर्न करके इसको हम सभी साइड से 1 मिनट तक सेक लेंगे। तो टोटल इसको सेकने में लगभग 4 से 5 ही मिनट का टाइम लगता है और बहुत जल्दी सेककर तैयार हो जाते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप इसको बनाकर एक बार ज़रूर देखिएगा और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए सभी को मैंने फ्लिप कर दिया है, टर्न कर दिया है। तो इसी तरीके से सारी साइड से आप सभी तरफ से इसको सेक लीजिए और बस तैयार हो जाएगा हमारा ऑयल फ्री नाश्ता। तो आप भी ट्राई कीजिए नाश्ता, बनाइए, खाइए, खिलाइए। कैसी लगी रेसिपी लिखकर ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप रखिए अपना ख्याल, फिर मिलती हूँ एक बिल्कुल नई रेसिपी के साथ। बाय।